चैत्र नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर शहर के मंदिरों में प्रज्वलित हुए ज्योत, वहीं सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला मंदिर में 1287 ज्योति कलश हुए प्रज्वलित। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना कर ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। इसी कड़ी में शुभ मुहूर्त के साथ सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला मंदिर में भी ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है, जिसमें इस बार 1287 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इसके साथ ही इस चैत्र नवरात्रि पर भव्य आयोजन किए जाने को लेकर मंदिर समिति द्वारा पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से सभी अनुष्ठान समिति दायरे में रहकर कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन इस बार लोगों की आस्था को देखते हुए वृहद रूप से आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते अष्टमी के दिन नवकन्या भोज सहित भंडारा व हवन पूजन किया जाएगा। इस संबंध में शत्रुपा शीतला मंदिर के अध्यक्ष व सदस्य ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। माँ शत्रुपा शीतला समिति के द्वारा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित किया गया है और इस कार्यक्रम में 21 कन्याओं का अष्टमी के दिन भोज कराया जाएगा और उसी दिन महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है। और हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे जितने दुर्गवासी, शहरवासी और पदाधिकारी कोरोना काल से जीत कर आए हैं और उसी खुशी में हम लोग इस साल उत्साह से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। धन्यवाद। शत्रुपा के इस धाम में इस वर्ष कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजरने के पश्चात हमारे शहर में और इस क्षेत्र के लिए ये पहला उत्सव रहेगा, जिसमें जनमानस में काफ़ी उत्साह है और श्रद्धालुओं के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक जो हमने हमारा जो मुहूर्त था आज का 11:36 का, 11:36 में दीप प्रज्वलित हुआ। दीप प्रज्वलित के समय जो समिति ने इस समय कुल 1287 ज्योत माँ शत्रुपा के इस दरबार में प्रज्वलित हुई है और यह ज्योत हमारे देश के विभिन्न राज्यों से अपितु देश के बाहर से भी कई श्रद्धालुओं के ज्योत प्रज्वलित हुए हैं। और हमारी जो तैयारी है इस नवरात्र की, चैत्र नवरात्र पर्व की, उसमें माता की सेवा लगातार समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बाहर बाहर से सेवा मंडली की टीमें भी आ रही, ग्राम मोखा धमकड़ी रायपुर से बालोद जिले से भी टीमें आ रही है। सेवा प्रतिदिन माता की होगी और जो हमारा कोरोना के संक्रमण में शासन प्रशासन के गाइडलाइन में हम लोग जो उस समय पर्व को सीमित किए थे, इस समय पूरी समिति ने उसे व्यापक स्तर पर करने का निर्णय लिया है। बड़े श्रद्धालुओं को पूरे हवन में इस समय शामिल होने का मौका दिया जाएगा। साथ ही 321 शोभा यात्रा प्रति वर्ष के हिसाब से इस वर्ष भी निकाला जाएगा, जिसमें माताएं बहनें शामिल होंगी। साथ ही हमारे जो इस पर्व में माता के दरबार में हमारे जो दानदाताओं के सहयोग से इस समय माता के सिंहासन का आर्च का लोकार्पण आज एकम के दिन और हाथी और घोड़ा जो माता की सवारी है, माता का वाहन है, उसकी स्थापना समिति के द्वारा की गई है और बड़े उत्साह से क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं, श्रद्धालु लगे हुए हैं, माता बहनों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति हुई है और ऐसी सेवा लगातार चलते रहेगी। शत्रुपा शीतला समिति सभी श्रद्धालुओं के, क्षेत्र के लिए, दुर्ग शहर के, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली की कामना माता से प्रार्थना करती है कि सभी खुशहाल रहें और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा विश्वास। अपना परिचय। मैं संजय सिंह, अध्यक्ष शत्रुपा शीतला सेवा समिति, दुर्ग। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।